अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब जलेबी बनाना। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है, उसने रिक्वेस्ट की हुई है काफ़ी देरी से, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे और भी रिक्वेस्ट आसत पूरी करनी है, तो मैं इसकी थोड़ी सी देर होगी, लेकिन ये स्पेशली आपके लिए है। काश आप पास होते, मैं आपको खुद बना के खिलाती, लेकिन बनाइए और अपनी बहन को याद करीजिएगा। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो आपको चाहिए, सिंपली मैदा चाहिए 10 फ्लावर 1 कप। अगर आपने बनाना है, अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप बेशक हाफ भी कर सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल रहती है। मैदा अगर आप 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो योगर्ट भी आपको 1 कप चाहिए। अगर आप मैदा 1/2 कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोबारा योगर्ट भी जो है 1/2 कप होगा। तो सिंपली फिलहाल जो मैं बना रही हूँ, 1 कप ऑफ मैदा है, 1 कप ऑफ योगर्ट है, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपको 2 टेबलस्पून चाहिए। अगर ज़्यादा क्रंच चाहिए तो 2 टेबलस्पून कर लें, अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो बेशक 1 टेबलस्पून कर लें। साथ ही आपको थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज कलर चाहिए होगा, पिंच ऑफ सॉल्ट, आपको पता है जलेबी ऑरेंज रंग की होती है। साथ ही आपको ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और बेकिंग सोडा जो होगा आपको चाहिए होगा 1 पिंच, और 1/4 टीस्पून कर लें। साथ ही आपको कुछ स्ट्रैंड्स चाहिए होंगे ज़ाफरान के, तो ये रहा ज़ाफरान। जो इसका शीरा हमने बनाना है, शुगर सिरप, वो आपको चाहिए होगा। इसके लिए पानी आपको चाहिए 3/4 कप्स ऑफ वाटर, शुगर यानी कि चीनी 1 कप आपको चाहिए होगी, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, दैट्स ग्रीन कार्डमम्स का पाउडर, एंड लेमन जूस आपको चाहिए 2 टेबलस्पून, और रोज़ एसेंस जो होते हैं, केवड़ा वाटर भी होता है लेकिन रोज़ एसेंस ज़रा अच्छी खुशबू आती है, आपको चाहिए होगा जस्ट 1 टीस्पून और सो। देखिए मैं आपको जो बताने लगी हूँ, जलेबी जो होती है, अगर आपको इसका 100% अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये आप बैटर बनाकर 24 आवर्स के लिए आपको रखना है, ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको इसकी एक और ऑल्टरनेटिव चीज़ बताने लगी हूँ कि आप इसका बैटर इन्हीं चीज़ों से बनाएंगे। सिर्फ आप जो चीज़ इसमें नहीं ऐड करेंगे वो बेकिंग सोडा होगा, आप इसे रिमूव कर देंगे। अब मेरी बात को प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लें, ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने इंस्टेंटली बनाना है तो आप बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ बीच में जाएगा, ठीक है जी। और इसको जल्दी राइस करने के लिए आपको चाहिए होगा ईस्ट, 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट आपको चाहिए होगा, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, और वार्म वाटर आप लेंगे और उसके अंदर में आपने जिस तरह आप ईस्ट को राइस करते हैं, आप उसको राइस होने देंगे और इसके अंदर मिक्स कर आपने इसको 4 आवर्स के लिए छोड़ देना है इसका बैटर बना के, और फिर आप इसकी जलेबियाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100% प्रॉपर क्रंच और सारा कुछ चाहिए तो फिर आप ये बैटर बनाकर विद द बेकिंग सोडा सिंपल वाला जो है 24 आवर्स के लिए आपको उसको रखना होगा। चॉइस अब वहाँ पर आपकी है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हमने इसका बैटर किस तरह। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, योगर्ट को आप लेंगे, उसके अंदर जो आपका मैदा है वो आप ऐड करेंगे, और मेक श्योर कीजिएगा कि बिल्कुल लंप फ्री हो। आपने इसको यूँ डालकर अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना। देखिए मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है कि योगर्ट कम है तो आप बेशक थोड़ा और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। सिर्फ हमने इसका एक बैटर बनाना है जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, तो इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने क्या करना है। आप देख लें, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करते वक्त मुझे लगा था कि थोड़ा सा योगर्ट कम है, तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून और ऐड कर लिया। देखिए इसको जो आपने बनाना होता है बैटर, एक्चुअली इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए और ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही ख्याल रखना होता है। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें और ऐड कर लिए थे। साथ ही यहाँ पर आप डाल देंगे इसमें कॉर्न स्टार्च, ये जो है आपकी जलेबी को बड़ा ज़बरदस्त सा क्रंच देता है। फूड कलर हम इसमें डाल रहे हैं, ऑरेंज कलर जो था, ये ऑप्शन अगर आप डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, अदरवाइज अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें खुद ही। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हर चीज़ इक्वली ही मिक्स करें ताकि इसके अंदर में लम्स नहीं बनने चाहिए। तो इसको भी ज़रा डालकर अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें और लम्प फ्री बना देख लें। आपने इसको दोबारा अच्छी तरह, बिल्कुल हमने इसमें लम्स नहीं होने देने, याद रखिएगा, वरना आपका जो बैटर है किसी भी काम का नहीं रहेगा। ये वाला जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ये आपने बनाकर, मैं इसे बनाकर रख दूंगी फॉर 24 आवर्स, और फिर मैं आपको नेक्स्ट डे इसकी जलेबियाँ बनाकर दिखाऊंगी। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसके अंदर में जो मैंने आपसे कहा है कि इंस्टेंट ईस्ट, पानी और सॉल्ट का आप बनाकर इसके अंदर ऐड कर लें, और आपने फिर इसको 4 आवर्स के लिए रख देना है। इसे हमें रखने की जगह फ्रिज में नहीं रखना, हम इसको रखेंगे जस्ट भाई जब हम दही बनाते हैं तो कोई वार्म सी जगह, बेशक ओवन में रख लें या कहीं पर जहाँ पर ये ठंडा ना रहे, तो वहाँ पे आप इसको रख देंगे।
फॉर 4 आवर्स के बाद आप इसकी जलेबियाँ बना सकते हैं, दैट्स विद इंस्टेंट ईस्ट। अगर आप इंस्टेंट ईस्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको 24 आवर्स के लिए रखेंगे और अगले दिन आप इसको 24 घंटे के बाद बनाएंगे तो आप इसका जो है जलेबी बनी हुई देखेंगे कितनी ज़बरदस्त बनती है। यहीं पर हॉट ऑयल में ऐड कर रही हूँ, दैट्स 2 टेबल स्पून, और साथ ही मैंने इसमें सोडा ऐड कर दिया है, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है, ऑयल ऐड कर लिया है, और ये देख लें कितना स्मूथ बैटर बन चुका हुआ है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे, देख लें बीच में कोई लम्स नहीं है, ठीक है जी। ये आपने बना लिया है, इसे कवर कर लें फॉइल के साथ में, क्लिंग फिल लगा लें, ऊपर कोई प्लेट रख लें और इसको एक वार्म जगह में रख दें फॉर 24 आवर्स, और इसके बाद हम इसकी जलेबियाँ बनाएंगे। तो ये काम हो गया हमारा पहला। बैटर को कवर करने से पहले आप इसके अंदर में सिर्फ कपल स्ट्रैंड्स डालेंगे, यूँ देख लें आप, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको बीच में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, जस्ट अ कपल ऑफ देम, बड़ा खूबसूरत सा रंग देता है, जायका भी इसका बड़ा ज़बरदस्त आता है। बीच में बैटर हमारा तैयार है, अब मैं इसे कवर कर रखने लगी हूँ और इंशाल्लाह फिर आपके सामने अगले दिन जलेबियाँ गर्म गर्म बनाकर आपको दिखाऊं। आपकी लाइफ ईजी करने के लिए मैंने आपके लिए एक और काम कर दिया है, ये देखें, ये वाला बैटर मैंने आपके सामने जो बनाया था, ये मैंने 1 कप ऑफ मैदा लिया था और 1 कप ऑफ योगर्ट, उसमें थोड़ा सा और 3 टेबल स्पून और डाले टू मेक द बैटर। इसे मैंने बनाकर 24 आवर्स के लिए रखना है। ये वाला जो है मैंने आपके लिए बना दिया है, सेम चीज़ें लेकिन इसमें सिर्फ आप क्वांटिटी में कमी देख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, 1/2 कप इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया है योगर्ट, और साथ ही मैंने इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैंने आपको पहले बताई थी। फूड कलर इस्तेमाल किया मैंने, थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स डाल दिए, और इसमें मैंने ऐड किया 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड इंस्टेंट ईस्ट मैंने डाली 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, और वार्म वाटर, उसे मैंने उसका बनाकर इंस्टेंट ईस्ट को राइस किया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो ये वाला जो है ये विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर में राइज हो जाता है, और साथ ही हम इसे इस तरह की इजीली आपको केचप की बॉटल्स मिल जाती हैं, आप ये खरीद लीजिएगा, इस मच ईजी। अगर आप पाइपिंग बैग में डालेंगे तो काफ़ी दफ़ा मोटी निकलती है या बहुत बारीक निकलती है, तो आई ऑलवेज यूज वन ऑफ दीज केचप बॉटल्स, ये आपको इजीली मिल जाती हैं फ्रॉम दिस शॉप्स। सो बेसिकली आपके लिए मैंने 2 बना दिए हैं, 1 24 आवर्स के लिए और 1 2 to 3 आवर्स के अंदर में राइस हो जाएगा, और फिर मैं आपके सामने अभी जो जलेबियाँ बनाऊंगी वो होंगी इंस्टेंट ईस्ट वाली, और जो नेक्स्ट डे 24 आवर्स वाली वो मैं आपके सामने बनाऊंगी जो मैंने इसमें मैंने इंस्टेंट नहीं डाला हुआ। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस टू राइज और मैं आपको जलेबी बनाना सिखाती हूँ। देश की लीजिए, इसमें आप डालेंगे 3/4 कप्स ऑफ वाटर, इसमें 1 कप ऑफ शुगर जाएगी, अगर आप चीनी और डालना चाहते हैं तो वो बेशक आपकी अपनी चॉइस पर है कितना मीठा पसंद करते हैं, और आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमारा इलायची पाउडर है, दैट्स 1/2 टीस्पून, मिक्स दैट इन देयर, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा रोज़ एसेंस है, यानी कि रोज़ वाटर, ईजिली आपको एजियन शॉप से या सुपर स्टोर्स वगैरह से ईजिली मिल जाता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब इसके अंदर में बॉइलिंग स्टार्ट होगी और शुगर इंटायरली डिजॉल्व हो जाएगी, तो आपने इसको तकरीबन लो पर रख कर, लो टू मीडियम के दरमियान में रखकर 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है, क्योंकि इसका शीरे का एक जो है तरीका होना चाहिए कि अगर ये बहुत वाटरी हो तो आपकी जलेबी सॉगी हो जाएंगी। तो इसके अंदर में 1 थ्रेड का हिसाब होगा, जिसे मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगी जैसे ही शुगर तैयार हो जाएगी, आई विल शो यू कि इसका थ्रेड आपने किसका चेक करना है। यहाँ पर आप देख लें कि बिल्कुल बॉयल होने के बाद अच्छी तरह आपको क्या इसका टेक्सचर चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको डर लगता है कि आपके हाथ जल जाएंगे, अव्वल तो मैं यूँ चेक करती हूँ, हल्का से लें, आप इसका स्टिकीनेस देखें, यू सी दैट्स 1 थ्रेड, ठीक है जी। अगर आपको डर लगता है यू कैन टेक कोल्ड वाटर, वेरी कोल्ड वाटर, और उसमें आप ये डालेंगे तो देखें वो नीचे जाकर बैठ जाता है, सो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही हो चुका हुआ है। और यहाँ पर आपने जो ऐड करना है उसके अंदर में है लेमन जूस। लेमन जूस आप जब इसमें डालते हैं तो वो ये करता है कि इसको जमने नहीं देता है, क्रिस्टलाइज नहीं होने देता, एंड इट्स ईजी जब हम इसमें जलेबियाँ डालेंगे। तो हमारा शीरा यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब हम नेक्स्ट जलेबियाँ बनाने लगे। जो हमने बैटर बनाया था जलेबी का, वो इंस्टेंट ईस्ट वाला मैंने बॉटल में डाल दिया हुआ है, ठीक है जनाब। तेल गर्म हो गया हुआ है, अब आपने क्या करना है
कि देखिए इसको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ जलेबियाँ बनाने में, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की इसलिए आपके प्यार मोहब्बत के लिए बना रही हूँ। बहरहाल आपने क्या करना है, आपने हल्का सा स्क्वीज़ करना शुरू कर देना है। ज़्यादा हाथ प्लीज़ ना ऊँचा रखिएगा ना नीचे, क्योंकि आपके हाथ जलने का डर होगा। और जो आपसे शेप बनती है आप उसको यूँ बनाते जाएँ। ये देख लें, इसको एकदम से ऊपर नहीं आ जाना चाहिए, इट शुड सिट डाउन और आराम से इसको ऊपर आकर फ्लोट होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। शेप में तो मैं भी इतनी माहिर नहीं हूँ, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बनाने के लिए। इस तरह आप बनाते जाएंगे और ये आराम आराम से ऊपर आती चली जाएंगी। ये देख लें आप, नीचे आपने जो चूल्हा है पहले तेल अच्छी तरह गर्म कर लेना, उसके बाद आपने इसको लो टू मीडियम पर रखना है ताकि ये अच्छी तरह इंसाइड आउट कुक हो। पहले उसको 2 से 3 मिनट एक साइड पर दे दें और फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड, ताकि अच्छी तरह गोल्डन हो जाए और फिर हम इसे बीच में से निकाल कर शीरे में डालते जाएंगे। यहाँ पर गोल्डन हो जाने पर आपने इसे बीच में से निकाल लेना है। प्लीज़ अपने हाथ का ख्याल रखिएगा, हाथ नहीं जलाने हैं। ये देखें, इसमें से आप निकालते जाएंगे और जो आपका शीरा है शुगर का, हम उसमें इसको डालेंगे और तकरीबन आपने इसको कपल सेकेंड्स के लिए ही बीच में रखना है ताकि जो है वो अच्छी तरह इसको अब्सॉर्ब कर लेगा चीनी को। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देख लें, इसी तरह आपने इसके अंदर में ऐड करते जाना है और आप इसको यूँ अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लेंगे ताकि जो है शुगर उस पर इक्वली हो जाए। ये भी फ्राई हो चुका है। इसी तरह हम तमाम बाकी के भी जलेबियाँ बनाते जाएंगे और एंड में सर्व करेंगे। तो जनाब ये जो मैंने आपके लिए जलेबी बनाई है, फ्राई की, शुगर सिरप में डाला, इसको आपने 1 मिनट देना है, दोनों साइड इसकी टर्न करें, सिरप में निकाल कर गर्म गर्म सर्व कीजिएगा। ये जो बनाई है ये है इंस्टेंट ईस्ट डालने के साथ में, जो 24 आवर्स वाली, वो मैं आपके लिए कल इंशाल्लाह बनाऊंगी। यहाँ पर आप इसकी क्रिस्पीनेस भी देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और ये क्रिस्प बनती हैं, ये आप देख लें। तो ज़रूर बनाना है हमने ये, लेकिन अब आपने कल का वेट करना है ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि जो 24 आवर्स में राइज होता है वो भी किस तरह बनती है। दैट्स इंस्टेंट ईस्ट, नेक्स्ट वन इज़ टू कम।